और अब बात पाकिस्तान के चूर चूर हो चुके घमंड की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज चंदा उगाही के लिए यूएई गए। यहां एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान की आतंकिस्तान वाली छवि को बदलने के लिए शहबाज शरीफ ने बड़ा मीठा मीठा बोला। यहां तक कि शरीफ मोदी नाम का जाप भी करने लगे ताकि आतंक का दाग धुल सके और पैसा मिल सके। लेकिन बड़ा जानकारी यह है कि पाकिस्तान कुछ भी बोले, आतंकवाद से उसका मोह नहीं टूट सकता। क्या है पूरा माजरा, देखिए ये रिपोर्ट। जब खजाना खाली है, जनता का पेट खाली है, तब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने शांति का मुखौटा पहनने की नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान के बुरे दिन मिटाने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इंटरनेशनल भीख यात्रा पर निकले हैं। यूएई में शर्मिंदा होकर गर्दन झुकाकर उन्होंने भीख की अर्ज की और अपने देश की बेज बदलने के लिए भारत के साथ शांति सहयोग का झूठ भी गढ़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने मुल्क की इमेज शांति प्रिय टाइप बना रहे थे, लेकिन हकीकत में आतंक प्रेम उस पर हावी हो गया। 17 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आका अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया। मक्की आतंकी हाफिज सईद का बहनोई है। 2020 में टेरर फंडिंग केस में मक्की को पाकिस्तानी कोर्ट ने सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने उसे लाहौर में हाउस अरेस्ट कर रखा है। भारत मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव पहले भी ला चुका है, लेकिन चीन उसमें अड़ंगा लगाता रहा है। पाकिस्तान जब शांति प्रिय देश होने की नौटंकी कर रहा है, तभी मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का मतलब है शहबाज शरीफ के मिशन को सीधी चोट। शहबाज शरीफ का प्रपंच धरा रह गया, मक्की ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो गया। पाकिस्तान के आतंक प्रेम पर मक्की ही मुहर नहीं, बल्कि दूसरा बड़ा खुलासा खुद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने किया है। तालिबान ने पहली बार कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये तालिबान के रक्षा मंत्रालय का लीक दस्तावेज है। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत के आतंकियों को अपनी जमीन पर ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान के कबायली इलाके में ISKP के ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं। दस्तावेज में चेतावनी दी गई है कि ISKP के आतंकी पाकिस्तान से अफगानिस्तान के लोगर इलाके में जमा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तालिबान की सरकार बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन 1.5 साल बीतते बीतते तालिबान सरकार के खिलाफ आतंकी साजिश तैयार कर दी। तालिबान सरकार के लिए ISKP आतंकी संगठन सबसे बड़ा खतरा है। ISKP के आतंकी अफगानिस्तान में टेरर अटैक कर रहे हैं। इनको ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी जा रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका से डॉलर लेने के लिए पाकिस्तान क्षेत्र में अशांति फैला रहा है। शहबाज शरीफ भले ही शांति सहयोग का दावा करें, लेकिन तालिबान का ये कहना कि ISKP के ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में चल रहे हैं, ये साबित करता है कि पाकिस्तान का आतंक से नाता कभी खत्म नहीं हो सकता है। पाकिस्तान सेना TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के सामने सरेंडर कर चुकी है और इनका ठिकाना अफगानिस्तान में है। अब पाकिस्तान ISKP को ट्रेनिंग देकर तालिबान सरकार पर TTP के ऊपर हमला करने का दबाव बना रहा है। गुड टेरर और बैड टेरर की लड़ाई को पाकिस्तान और आगे बढ़ा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों की खूनी जंग का और संगीन होना। पाकिस्तान दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ शांति का मुखौटा पहनकर चंदा उगाही हो रही है और दूसरी तरफ आतंकवाद के रास्ते पर लंबी छलांग लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।